नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी। मैं दीपक पाठक। हरियाणा के कैथल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैथल विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार लीला राम ने कहा, मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। आज मैंने हमारी पूरी टीम के साथ हमारे सांसद महोदय नवीन जिंदल जी, सुरेश जी गर्ग, भाई अमरजीत जी छाबड़ा, जिला अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी, राम प्रताप गुप्ता जी और कैलाश भगत जी, सभी राज्यपाल तंवर जी, सबने इकट्ठे आकर के नॉमिनेशन किया है, फार्म भरा है और सब इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। किन किन मुद्दों को देखते हैं? एक ही मुद्दा है, विकास। विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पिछली बार उसके पिताजी थे टक्कर में, परिणाम आपके सामने है। आपकी बार उससे अच्छी तरह से और चित करने का काम करें। कांग्रेस कह रही है कि इस पर जो है लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस तो पिछले 15 सालों से कह रही है, जनता क्या चाह रही है वो पूछिए।